वेलकम ऑल। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद हिंदी में आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक यूज भी पढ़ेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन यही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस फ्यूचर एक्टिविटी के लिए करते हैं, फ्यूचर एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी जो फ्यूचर में होनी है उसके लिए करते हैं, जो कि एक दिए गए समय तक अच्छा है उसके पहले कंप्लीट हो जाएगी। उस फ्यूचर एक्टिविटी के लिए करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जो एक स्पेसिफाइड टाइम तक, बाय मतलब तक और बिफोर मतलब पहले, दिए गए समय तक या उसके पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी क्या है, पूर्ण, एक्टिविटी पूर्ण हो जाएगी, तो इसे कहेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में सेकेंड एग्जांपल को पहले देखते हैं हम। वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट वीक, हिंदी होगी हम अगले सप्ताह, ये टाइम हो गया, तक दिल्ली से वापस आ चुकेंगे। आप देखिए, आ चुकेंगे इसलिए होता है क्योंकि इधर ना मेन हिंदी के अंत में, मेन क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी रहता है, इसलिए हमें करना पड़ा चुकेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगले सप्ताह तक, यह टाइम क्या है, अगले सप्ताह तक, मतलब उस सप्ताह के पहले चाहे उस सप्ताह तक, उसके आगे नहीं। तो यह क्या हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो इस टाइम तक चाहे इस टाइम के पहले वापस आ चुकेंगे, मतलब वापस आ गए रहेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या है, और चुकेंगे है तो फ्यूचर तो बोध हो ही रहेगा, फ्यूचर में होना है, अभी इसको हुआ ही नहीं है, फ्यूचर में होना है, साथ में इसे कंप्लीट होना है, और साथ में अगर टाइम दिया है तो उस टाइम तक अच्छा है उसके पहले होना है, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राम विल हैव फिनिश्ड द वर्क, राम काम पूरा कर चुकेगा, यहाँ पर भी यही है, टाइम यहाँ नहीं दिया है लेकिन जो काम है वो फ्यूचर में होगा और पूरा हो जाएगा। तीसरा, अहम विल हैव डन होमवर्क बाई 8 PM, अहम 8 बजे शाम तक होमवर्क पूरा कर चुकेगा, तो इधर टाइम भी है, तो इसका डेफिनेशन में ध्यान रखेंगे फ्यूचर में होना है, काम कंप्लीट होना है, और अगर टाइम दिया है तो उस टाइम तक अच्छा है उसके पहले कंप्लीट होना होता है, यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जरा आइडेंटिफिकेशन हिंदी देखते हैं, हिंदी वाक अगर होगा तो उसके क्रिया के अंत में रहेगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी। आपको ये ध्यान होगा कि अगर आपने पढ़ा है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे था चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। अब पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो इस तरह का था। अब यहाँ पे फ्यूचर है तो गत आना ही है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, और जो 5 लिखा ना, ये वर्ड 5ों का यहाँ पे सेंटेंस लिखा है उसी सीक्वेंस में। अब यही 5 सेंटेंस इधर लिखा है स्ट्रक्चर में, तो हम इन 5ों को अभी चेंज करेंगे। उससे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर हिंदी से इंग्लिश में बदलना होता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन इसके बीच जो मेन काम करना पड़ता है वह है विल या शैल हेल्पिंग वर्ब को लिखना, साथ में हैव को भी लिखना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव चाहे शैल हैव, और आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, V3 ही लिखना होता है, V3 ही लिखेंगे। तो जरा इसको चेंज करते हैं फटाफट,
राम पत्र लिख चुकेगा, तो राम तो ठीक है, राम के साथ विल आएगा, विल होगा तब भी हैव, शैल होगा तब भी हैव, तो हैव डाल देंगे। और फिर लिखना का थर्ड फॉर्म रिटेन, और पत्र लिखा हुआ है तो और लेटर। सीता पत्र लिख चुकेगी तो यहाँ पे हो जाए सीता, सीता के साथ विल आएगा, हैव को तो रखना पड़ेगा, फिर रिटर्न होगा ही, और फिर यहाँ भी चिट्ठी आई है तो वाले लेटर। वे लोग पत्र लिख चुकेंगे तो वे लोग का आप जानते हैं दे, दे के साथ विल, फिर हैव, फिर रिटेन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुकूंगा तो क्या होगा, आई, आई के साथ सेल आता है भी आएगा, फिर रिटेन, यहाँ पे दे है तो यहाँ पे लेटर से होगा, रिटेन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुकूंगी फिर आई शैल हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अगर कोई निगेटिव रहेगा, मान लिया, लिख देता हूँ राम पत्र नहीं लिख चुकेगा, तो करेंगे आप राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। जो नॉट लगाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का जो पहला पोर्शन होता है उसके बाद लगाते हैं किसी भी टेंस में। हेल्पिंग वर्ब अगर एक से अधिक वर्ड का है तो पहले वर्ड के बाद ही नॉट लगाते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव कर लेते हैं, क्या राम पत्र लिख चुकेगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है, तो विल को केवल बाहर निकालेंगे, बाकी जहां है वहीं पर रखेंगे, विल राम, राम के बाद यहाँ पे तो नॉट नहीं है ना, तो विल राम, फिर यहाँ पे हैव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब दूसरा पार्ट, विल राम रिटेन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अब जरा यूज देखिए, यूज एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संभावना को व्यक्त करनी होती है ना, लाइकलीहुड को, लाइकलीहुड मतलब संभावना, संभावना व्यक्त करनी होती है कि ऐसा हो गया होगा, आप कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो गया होगा आपके अनुसार, उसको बोलते हैं संभावना। पहले एक हिंदी देख लेते हैं, राम विल हैव हर्ड द स्टोरी, राम ने कहानी सुनी होगी। अब देखिए आज तारीख है 27 मार्च 21, और अभी का समय है 5 PM, और आज ही दिन में 5 AM में राम को कहानी सुननी थी, आज ही, तो 10 बजे दिन में उसको कहानी सुननी थी, और अभी हो रहा है टाइम 5 बजे शाम, तो हम बात कर रहे हैं 5 बजे शाम में बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि राम ने कहानी सुनी होगी। हाँ, मतलब हम संभावना व्यक्त, राम को कहानी सुननी थी और हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि राम ने कहानी सुनी होगी, क्योंकि टाइम भी पास हो चुका है, तो यहाँ पे ऐसे सुनी होगी ग लिखा हुआ है, साथ में स्ट्रक्चर राम विल हैव हर्ड द स्टोरी, पास्ट फ्यूचर सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का है, तो डेफिनेटली फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम की जो बात कर रहे हैं ना, हम पढ़ के रहे हैं टाइम एंड टेंस, तो टेंस तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लेकिन टाइम की जो बात कर रहे हैं, बीती टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, हम 5 बजे शाम को बात कर रहे हैं कि आज 10 बजे ऐसा काम हो गया होगा, मतलब टाइम गुजर गया है लेकिन फिर भी हम उसे संभावना है उसका कि हो गया होगा, इसलिए उसे फ्यूचर परफेक्ट में व्यक्त करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में संभावना को व्यक्त करनी होती है तब व्यक्त करते हैं, लेकिन वह संभावना पास्ट टाइम की होती है, बीते हुए समय की होती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा नंबर, दे विल हैव विजिटेड द ताजमहल, 10 बच्चों का ग्रुप था, वो आगरा गए, आगरा गए कब गए, 21 मार्च को गए, आज 27 मार्च है ध्यान रखेंगे, 21 मार्च को गए और 26 मार्च को उनको वापस का, उनके वापसी का टिकट कराया गया था,
आज बात कर रहे हैं 27 मार्च को, अभी वो पहुंच नहीं पाए हैं, 27 मार्च को बात कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 10 लोगों के बारे में। तो क्या कह रहे हैं कि वे लोग ताजमहल विजिट किए देखे होंगे, वे लोग ताजमहल देख चुके होंगे, चाहे देख, हाँ देख चुके होंगे। तो यहाँ पे 27 तारीख की हम बात कर रहे हैं और उनको तो 26 तक वापस आने का टिकट था, 26 के वापस आने का टिकट था, तो डेफिनेटली वो लोग देख चुके होंगे। लेकिन जब तक उनसे बात नहीं हो जाती है, वो कहते नहीं कि देख लिए हैं, तब तक तो संभावना ही रहेगी। इसलिए लाइकलीहुड जो पास टाइम में थी, पास टाइम कब, ये पास टाइम 21 से 26 तक का है, इतना में ही उनको देखना था। आज 27 की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टाइम में संभावना जो है उसे व्यक्त कर रहे हैं, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, आप समझ गए होंगे। फिर मीरा विल हैव इन्फॉर्म्ड राम, मीरा राम को सूचित कर चुकी होगी। शीला विल हैव नॉन मी, शीला मुझे जान चुकी होगी। तो यह सब जो बातें हैं पास्ट टेंस में हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं कि हुई बातें कंप्लीट कि नहीं, इसलिए संभावना को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इतना ही है, आशा है ये जितना बताया आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।